अबे ये दरवाजा कैसे खुला है? हाँ, ये कैसे खुला रह गया? आयशा उठो। यार उठो ना, नाश्ता बनाओ। तुम खुद बना लो ना। रोज मैं ही तो बनाता हूँ। आज भी बना लो ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, तंग नहीं करो। दिल तो चाहता है यूनिवर्सिटी की वो बेंच तोड़ दूं जिस पर तुमसे मुलाकात हुई। यार क्या है? शादी तो कर ली पर फट गई। बैंड जो फरमाइशी खत्म नहीं होती। ये रहा तुम्हारा नाश्ता। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूं, दरवाजा ध्यान से बंद कर देना। सुनो, शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी। अच्छा, ये ख्याल कुछ ज्यादा देर में नहीं आया? तुम्हें देर हो रही है ना। चलो, नहीं, मैं बोल। भैंजू मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? भैंजू यहीं खड़ी की थी। हेलो भाईजान, भाईजान, हेलो, हेलो आयशा, यार नीचे आपकी गाड़ी नहीं है यार। अरे मुझे क्या पता, मैंने नीचे खड़ी की थी। तुम आओ नीचे। क्या देख रहा है? गाड़ी का मेरी साहब, हमें नहीं पता तुम्हारा गाड़ी का है। साले साहब इधर है। तुम पागल हुई हो? तुमने ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया? ओ साहब, इतना परेशानी में कपड़ा चेंज करना किसको याद रहता है? अबे ओ, तुझे सब पता है, ये नहीं पता गाड़ी का मेरी? सब मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था कि हमें नहीं पता तुम्हारा गाड़ी का है। हमारा ड्यूटी तो मॉर्निंग का है। ये तुम क्या कर रही हो? ये सोशल मीडिया पे डालूंगी ना। अच्छा तो अब क्या कर रहे हैं? तुम पुलिस को कॉल करो। यार मत्ती मारी गई है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा, जब गाड़ी चोरी हुई थी तो आप लोग कहाँ थे? सर हम लोग सो रहे थे। सर बीवी बहुत खूबसूरत है, ये लोग जाग ही रहे होंगे। ये बताएं गाड़ी कहाँ से खरीदी थी? जी वो गाड़ी तो मेरे पापा ने दी थी ना।
अरे सर, उनके इस्तेमाल की गाड़ी थी, पुरानी हो गई थी, इसलिए उन लोगों ने हमें दे दी। अच्छा, इसका मतलब है कि गाड़ी पुरानी थी। यानी हारन के अलावा सब बचता था सर। अरे सर, जैसी भी थी, गाड़ी थी ना। गाड़ी के कागजात दिखाओ। अरे सर, गाड़ी तो हमारी है ना। अच्छा, आप कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर ये कहेंगे कि ये मेरी बीवी है तो मैं कभी नहीं मानूंगा। अरे सर, छोड़े इन बातों को, ये बताएं मेरी गाड़ी का क्या हुआ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें, आप लोगों को मिल जाए हमें इतला कर देना, अगर मुझे पता चलेगा तो आप लोगों को इतला करूंगा। यस मिस। मिस आयशा। अच्छा जी, मिस आयशा। अरे भाई, ये ठीक होने वाली नहीं है, जिसे लिए उसको वापसी कर दे। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अब धक्का नहीं देना पड़ेगा, चलने के काबिल कर दिए मैंने। हाँ दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। मेरी यहाँ फटी पड़ी है और तुम यहाँ बैठी टिकटॉक बना रही हो, खमौन यार, हद होती है। तो मैं और क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। वैसी भूख लग रही है, मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें भूख लग रही है, व्हाट द फक यार। तुम्हें पता तो है कि मुझे टेंशन में भूख लगती है, और मैंने पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। लो, आ गया तुम्हारा पिज्जे वाला। तो जल्दी जाओ ना, लेकर आओ, भूख लगी है मुझे। ये भी मैं लेके आऊं? जाहिर है, और कौन लाएगा। कौन है घंटी पे घंटी बजा रहा है? और चूत चौकीदार ने बताया नीचे खड़ी हुई गाड़ी। हाँ हाँ, चल 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 चल। अरे आयशा, ये तो अपनी गाड़ी है। अरे मेरी गाड़ी मिल गई। क्या रेगिस्तान में लेके गए थे? गाड़ी की हालत देखो, कितनी गलीज और गंदी हो रही है। अरे तुम चुप करो, लेकिन ये मिली कहाँ से? अरे मुझे क्या पता, ये क्या लिखा हुआ है? आपको तकलीफ के लिए माजरत हुआ हूँ, दरअसल मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और रात के वक्त कोई सवारी नहीं थी, इस वजह से आपकी गाड़ी ले गया था। ये आपके लिए सिनेमा के टिकट्स हैं, छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, और उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे, शुक्रिया। सिनेमा के टिकट्स। कितने अच्छे लोग हैं। गाड़ी की माँ बहन कर दी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गाड़ी वापस ले आए। अच्छा काम करते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, तैयार हो गया। ओके ओके, तू तो आगे से हट यार। भाई, ये दरवाजा किससे खुला है? हाँ, ये कैसे खुला रह गया? चूत, सारा घर खाली। बेबी, सामान कहाँ चला गया सारा?
सेवर? बेबी बेबी जेवरात भी नहीं है मेरे अंदर। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? बहन चूत। अबे हाँ बहन चूत।